वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज किचन। हम लेकर आए हैं मशरूम मटर आलू की बहुत ही अच्छी रेसिपी, जिसे आप लोग देखते ही बनाएंगे। तो ये मैंने आलू लिए हैं, ये बहुत छोटे छोटे आलू हैं, नींबू के आकार के आलू हैं। नींबू तो कोई कोई बहुत बड़ा आता है, कोई कोई बहुत छोटा आता है, लेकिन मैंने बीच वाला साइज लिया है। ये हमने मटर ले लिया है और ये मशरूम ले लिया है। तो इन सबको पहले हम एक कुकर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। ये गया कुकर में, ये गए मशरूम और ये गया मटर, और इसमें डालेंगे पानी। तो इसमें पानी डाल देते हैं और इसमें ढक्कन लगा के हम इसे एक सीटी में बॉईल कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, बस एक सीटी लगानी है हाई फ्लेम पे। ये रख दिया, एक सीटी आने तक इंतज़ार करते हैं। ये है, गैस को बंद कर देते हैं और प्रेशर खत्म होने तक वेट करते हैं। तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले में हमने ये लिया है, दो प्याज लिया है मीडियम साइज के, 10-12 कलियाँ लहसुन की हैं, दो मिर्ची लिया है, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसमें हमने टुकड़े कर दिए हैं। तो इनको डालते हैं इसमें और इनका एक पेस्ट बना के तैयार करते हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बनाना बहुत आसान है। इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं, बहुत मोटे मोटे हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस के लाते हैं। ये मैंने पीस लिया है, इसको निकाल लेते हैं और हम इसी में टमाटर पीस लेते हैं। ये दो टमाटर लिए हैं, ये भी हम पीस लेते हैं इसी में। इनको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली, अब इसको भी हम किसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रेशर खत्म हो गया है, अब हम इसको नीचे उतारते हैं। ये हमारी सारी चीज़ें बॉयल हो गई हैं, हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना था, और हम इनको सबको हम इस डलिया में निकाल लेंगे। निकाल के हम इसे ठंडा करेंगे और आलू हम किसी प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मटर मशरूम को। और कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम ये आलू डाल देते हैं, इन्हें हम थोड़ा सा तल लेंगे। आँच को तेज़ कर देते हैं, तेज़ आँच में तल लेंगे, क्योंकि ये छोटे आलू हैं, ये एक सीटी में पक गए हैं, तो हमें इन्हें पकाना नहीं है, केवल थोड़ा सा कलर चेंज करने का, तो हमें तल लेना है। डाल देते हैं, आलू का कलर चेंज हो चुका है। हम गैस को भी बंद करते हैं और इन आलूओं को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देते हैं एक्स्ट्रा तेल, वापस कढ़ाई में चला जाएगा। आलू हमारे तल चुके हैं, हमने इनको निकाल लिया, अब इनको एक साइड में रखते हैं और हम वापस से वही जार लेते हैं जिसमें मैंने प्याज व्याज पीसा और टमाटर पीसे हैं, और हम ये जो मशरूम है और ये मटर हम इनको इसमें डालते हैं और हल्का सा इनको पल्स मोड में दरदरा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा एक बार चलाएंगे, बस सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। बंद किया, ये मैंने पीस लिया है। ये देखिए कुछ मटर खड़े हुए हैं, कुछ मशरूम भी खड़े हुए हैं, तो इनको एक साइड में रखते हैं और तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। तो सब्जी बनाने के लिए हमने इससे तेल निकाल लिया है, वही तेल है जिसमें मैंने आलू फ्राई किए हैं। गैस जला देते हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम जीरा डाल देते हैं, एक ये तेज पत्ता डाल देते हैं, एक ये सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा को चटकने देते हैं। जीरा हमारा भुन गया है और अब हम ये पेस्ट डाल देते हैं, जो मैंने लहसुन प्याज अदरक का बना के रखा है, ये डाल देते हैं और इसको बढ़िया से भूनेंगे। इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तब तक इसको हम भूनेंगे। तो गैस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं।
आधे से ज़्यादा भुन गया है, थोड़ा और भुनने देते हैं, तब तक हम इधर मसाले निकाल लेते हैं। एक कटोरी ली है, हम इसमें निकालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच करीब करीब धनिया पाउडर, चम्मच बहुत छोटा है, आधा चम्मच गरम मसाला, और मिर्ची मैंने पीस ली है, दो मिर्ची पीस लिया है, तो इसलिए हम मिर्च नहीं डाल रहे हैं। आपको पसंद हो कड़वा जैसा, मतलब आप मिर्च डाल सकते हैं, मैं इतना ही डालूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना के तैयार करते हैं। प्याज लहसुन हमारा भुन गया है, तो अब इसमें हम डालते हैं ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसी में इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब अपने ये मसाले डाल देते हैं जो मैंने घोल के रखे हैं, चला देते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, एक बार मेरे तरीके से बनाना, सभी को बहुत पसंद आएगी। अब ये मसालों को हम पकने देते हैं बढ़िया से। मसाले हमारे भुन चुके हैं, बढ़िया से तेल रिलीज हो गया है। अब हम ये टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और इसको भी बढ़िया से भून लेंगे, अच्छे से पका लेते हैं। तो टमाटर हमारा पक चुका है और अब इसमें डालते हैं ये जो मैंने मटर मशरूम पीस के रखे थे, ये डाल देते हैं, सारा पेस्ट डाल देते हैं इसमें, सारा डाल दिया। अब इसको अच्छे से चला देते हैं, हम 2 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए इसका, कच्चापन ना रहे। उसे उबला हुआ है, कच्चापन रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन हम फिर भी 2 मिनट इसको इसी तरह से भून लेंगे, हाई फ्लेम पे भूनेंगे इसको। ये मैंने 2 मिनट भून लिया, ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, अच्छे से भून गया है। और अब इसमें डालते हैं ये अपने फ्राई किए हुए आलू और इन्हें बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। देखिए देखने में अभी कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और आप चाहें तो नमक डाल के ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इन्हें इनमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी वाले बनाएंगे। सारी चीज़ें हमारी बढ़िया से भुन गई और अब इसमें डालते हैं पानी। तो हमने वही जार लिया है, उसमें थोड़ा सा हमारा मटर मशरूम लगा था, तो मैंने उसी में पानी डाल दिया है और ये पानी गया इसमें, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से चला देते हैं। और हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम गाढ़ी ग्रेवी बनाएंगे इसकी, तो इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। आप इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, कलर चेंज कर देती है, तो जो सब्ज़ी अच्छी भी दिखती है ना, तो लोहे की कढ़ाई में वो थोड़ा सा काली काली दिखने लगती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है लोहे की कढ़ाई में, बस थोड़ा सा कलर ही चेंज हो जाता है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसमें डालते हैं नमक, स्वादानुसार नमक जाएगा, मिक्स कर देते हैं और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए मूंद देते हैं और इसको एक उबाल आने तक वेट करते हैं, कर लेते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, सब्जी पकी थी, हमें थोड़ा सा पानी वानी ये सब पकाना था तो पक गया है। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से, बहुत कम, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम डालते हैं धनिया, मिक्स कर देते हैं बढ़िया से और गैस को करते हैं बंद। इसको निकालते हैं एक बाउल में, ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, थोड़ी सी ऊपर से हरी धनिया डाल देते हैं और ये मेरी मटर मशरूम आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। दिखने में इतनी अच्छी लग रही है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब होगा, तरीके से ज़रूर बना के देखना, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अब आप भी बनाइए और खाइए और बताइए हमारी रेसिपी कैसी बनी है। अच्छी बनी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।